أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. मैंने खुतबाए मसनूना के बाद जो आयत करीमा तिलावत की है, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनियावी ज़िंदगी की क्या हकीकत है उसको वाज़ह किया है कि ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ये नापायदार है और इस ज़िंदगी की दवामगी नहीं है और ये ज़िंदगी जो है ये हमेशगी वाली ज़िंदगी नहीं है। आइए सबसे पहले इस आयत करीमा का तर्जमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। वमा हाज़िही अल-हयातु अद-दुनिया इल्ला लहवुन वलअब। अल्लाह तबारक व ताला इस आयत करीमा के अंदर उन लोगों को ख़बरदार कर रहा है, उन लोगों को आगाह कर रहा है जो लोग इस दुनियावी ज़िंदगी को हमेशगी वाली ज़िंदगी समझ करके गुजारा करते हैं, जो लोग ये सोच करके इस दुनियावी ज़िंदगी को बसर किया करते हैं कि ये ज़िंदगी जो हमें मिली है ये ज़िंदगी हमेशगी वाली ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है वमा हाज़िही अल-हयातु अद-दुनिया इल्ला लहवुन वलअब कि ऐ लोगों सुनो, ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ये खेल और तमाशा की ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक व ताला इस दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल जो है खेल और तमाशे से दे रहा है कि ऐ लोगों, जिस दुनियावी ज़िंदगी को तुम हमेशगी वाली ज़िंदगी समझ रहे हो, जिस दुनियावी ज़िंदगी को तुम अपने लिए हमेशगी वाली ज़िंदगी समझ रहे हो, अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को ख़बरदार कर रहा है कि ऐ लोगों, ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ये हमेशगी वाली ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ये खेल और तमाशा है। हम दुनिया के अंदर देखते हैं जब कोई इंसान खेल और तमाशा दिखाता है तो वो एक मुकर्ररा वक्त के लिए दिखाता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने ये जो ज़िंदगी हमें अता की है, ये जो ज़िंदगी हमें बख्शी है, ये ज़िंदगी जो है एक मुकर्ररा वक्त के लिए है और अल्लाह तबारक व ताला ने इसी ज़िंदगी को जो है खेल और तमाशे से ताबीर किया है। وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ ऐ लोगों सुनो, तुम जिस दुनियावी ज़िंदगी को हमेशगी वाली ज़िंदगी समझ रहे हो वो ज़िंदगी जो है हमेशगी वाली ज़िंदगी नहीं है, बल्कि हमेशगी वाली ज़िंदगी कौन सी ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक व ताला इसी आयत करीमा के आगे इरशाद फरमा रहा है وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ ऐ लोगों, बल्कि वो आखिरत की ज़िंदगी है जो हमेशगी वाली ज़िंदगी है, वो आखिरत की ज़िंदगी है जो हमेशगी वाली ज़िंदगी है और वो आखिरत है जिसके अंदर दवामगी है और वो ज़िंदगी जो है वो बका वाली ज़िंदगी है, वो आखिरत की ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक व ताला इसी आयत करीमा के आगे इरशाद फरमा रहा है वलौ कानू यअलमून काश के ये लोग समझ जाते कि ये दुनिया की ज़िंदगी जो है वो हमेशगी वाली ज़िंदगी नहीं है, बल्कि आखिरत की ज़िंदगी जो है वो हमेशगी वाली ज़िंदगी है। मेरे अजीज़ साथियों,
हम दुनिया के अंदर इसका मुशाहिदा करते हैं, हम दुनिया के अंदर तजुर्बा करते हैं, और जब हम अपने समाज के अंदर तायराना नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने ऐसे इंसान समाज के अंदर मौजूद हैं जो लोग इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को हमेशगी वाली ज़िंदगी समझ करके गुजारा करते हैं। आप दुनिया के अंदर अपने समाज के अंदर इस बात का मुशाहिदा करें कि कितने ऐसे इंसान हैं कि वो इंसान दुनियावी मसाइल में उलझे हुए हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके सामने कोई मसाला ना हो, हर इंसान किसी न किसी मसाले में उलझा हुआ है, हर इंसान किसी न किसी पॉइंट और किसी न किसी टॉपिक को लेकर के उलझा हुआ है। किसी के पास ज़मीन और जायदाद का मसला है, किसी के पास खेत खलिहान का मसला है, तो किसी के पास मकान और दुकान का मसला है, तो किसी के पास अमीर बनने का मसला है, तो किसी के पास बिजनेसमैन बनने का मसला है, तो किसी के पास बिजनेस का मसला है, और लोग इन्हीं दुनियावी मसाइल में कामयाबी हासिल करके ये तसव्वुर करते हैं कि ये दुनियावी ज़िंदगी के अंदर जो हमने कामयाबी हासिल कर ली ये हमारी ज़िंदगी की असल कामयाबी हो गई। मेरे अजीज साथियों, हम दुनिया के अंदर जिन मसालों में कामयाबी हासिल किया करते हैं ये कामयाबी हमारे लिए असल कामयाबी नहीं है। अगर एक इंसान मकान और दुकान के मसले में कामयाबी हासिल कर लेता है तो ये कामयाबी उसके लिए असल कामयाबी नहीं है। अगर कोई इंसान ज़मीन और जायदाद के मसले में कामयाबी हासिल कर लेता है तो ये कामयाबी उसके लिए असल कामयाबी नहीं है। अगर कोई इंसान बिजनेसमैन की मसले में कामयाबी हासिल कर लेता है तो ये कामयाबी उसके लिए असल कामयाबी नहीं है। मेरे अजीज साथियों, इन्हीं दुनियावी मसाइल में एक इंसान कामयाबी को हासिल करके ये तसव्वुर करने लगता है, ये गुमान करने लगता है, ये सोचने लगता है कि हमने जो दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल की है, हमने जो दुनिया के अंदर फलाह बहबूदगी हासिल कर ली है, ये कामयाबी हमारे लिए असल कामयाबी है। और इन्हीं में मसरूफ़ होकर के एक इंसान दुनिया के अंदर गफलत भरी ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे ही लोगों को सूरे अंबिया के अंदर खबरदार कर रहा है, इक्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे ही लोगों को खबरदार कर रहा है, ऐसे ही लोगों को आगाह कर रहा है कि ऐ लोगों, तुम्हारे लिए हिसाब का वक्त करीब है और तुम हो कि गफलत भरी जिंदगी गुजार रहे हो। ऐ लोगों, तुम दुनियावी मसाइल में उलझे हुए हो, तुम दुनिया के अंदर दुनियावी मसाइल में कामयाबी हासिल करके तुम ये तसव्वुर करते हो कि ये हमारी ज़िंदगी की असल कामयाबी है और यही चीज़ हमारे लिए असल कामयाबी है। अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि ऐ लोगों, जिन चीज़ों में तुम गाफिल हो और जिन चीज़ों में तुम मुलविस हो, ये चीज़ तुम्हारे लिए असल कामयाबी नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला इस आयत करीमा के अंदर खबरदार कर रहा है, इक्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून, कि ऐ लोगों, तुम्हारे लिए हिसाब का वक्त करीब है, तुम्हारे लिए इम्तिहान का वक्त करीब है और तुम हो के गफलत भरी ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम हो के गफलत में अपने मुंह को फेरे हुए हो। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के अंदर एक सवाल पैदा हो रहा है और वो सवाल ये है कि हम वो कौन सी ज़िंदगी है जिस ज़िंदगी को हम गफलत भरी ज़िंदगी समझें। हम दुनिया के अंदर मुशाहिदा करते हैं, हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि एक इंसान इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर किया करते हैं। कोई इंसान है इस दुनिया के अंदर जो शराब नोशी में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करता है, कितने ऐसे इंसान हैं इस दुनिया के अंदर जो जुआबाजी में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करता है, कितने ऐसे इंसान हैं दुनिया के अंदर जो बेनमाजी में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं, कितने ऐसे इंसान हैं दुनिया के अंदर जो बदकारियों में और जिनाकारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन सी ज़िंदगी है जिसको हम गफलत भरी ज़िंदगी समझें, क्योंकि अल्लाह तबारक
वताला इस आयत करीमा के अंदर, इस सूरे अंबिया के पहली आयत के अंदर अल्लाह तबारक वताला कह रहा है कि तुम्हारे लिए इम्तिहान का वक्त करीब है, तुम्हारे लिए हिसाब का वक्त करीब है, और तुम हो कि गफलत भरी ज़िंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह तबारक व ताला यहाँ पर गफलत का तज़किरा कर रहा है। अब सवाल ये है कि हम वो कौन सी ज़िंदगी है जिसको गफलत भरी ज़िंदगी समझ लें और हम ये जान लें कि यही ज़िंदगी जो है वो गफलत भरी ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक व ताला इसी सवाल का जवाब जो है 30वें पारे के अंदर दे रहा है। जैसे ही एक इंसान के जहनों के अंदर ये सवाल पैदा हुआ, जैसे ही एक इंसान के दिमाग के अंदर, जैसे ही एक इंसान के जहनों के अंदर ये डाउट पैदा हुआ, फौरन अल्लाह तबारक व ताला ने सूरे तकासुर के अंदर इसका जवाब दे दिया कि ए लोगों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कौन सी ज़िंदगी है जो गफलत भरी ज़िंदगी है। वो कौन सी ज़िंदगी है जिस ज़िंदगी में फंस करके एक इंसान अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेता है। अल्लाह तबारक व ताला सूरे तकासुर के अंदर कह रहा है, अल्हाकुमुत्तकासुर, ए लोगों तुमको गाफिल कर दिया, ऐ लोगों तुमको गाफिल कर दिया कसरत की ख्वाहिश ने। मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा के अंदर ख़ास करके दो चीज़ों का तज़किरा किया है, और वो दो चीज़ें हैं माल और औलाद। अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान को ये बताना चाह रहा है कि ऐ लोगों तुमको माल और औलाद की कसरत की ख्वाहिश ने गाफिल कर दिया। मेरे अजीज साथियों, जब एक इंसान जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, जब एक इंसान जवानी की दहलीज पर पहुंच जाता है, एक इंसान इसी हवस में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है कि दुनिया के अंदर हम कैसे भी करके दौलत को हासिल कर लें, हम दुनिया के अंदर कैसे भी करके माल और दौलत को इकट्ठा कर लें। इसी तगादों में अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी को सर्फ कर देता है, अपनी पूरी ज़िंदगी को लगा देता है कि दुनिया के अंदर हम अमीर कैसे बन जाएँ, दुनिया के अंदर हम दौलत को कैसे इकट्ठा कर लें। अल्लाह तबारक व ताला इसी का तज़किरा कर रहा है कि ऐ लोगों तुमको माल की कसरत की ख्वाहिश ने गाफिल कर दिया। हम दुनिया के अंदर कितने ऐसे इंसानों को देखते हैं कि समाज के अंदर एक इंसान मौजूद है और मस्जिद के मीनारे से आवाज़ आ रही है, हैया अलस्सला हैया अलफला, कि ऐ लोगों नमाज के लिए आओ, ऐ लोगों नमाज अदा करने के लिए आओ, हैया अलफला, ऐ लोगों आओ कामयाब की तरफ। कितने ऐसे इंसान हैं जो दौलत की हवस में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं, जो लोग दौलत की लालच में अपनी ज़िंदगी को बसर किया करते हैं, अपनी कामों में मुलव्विस रहता है, अपनी जो है बिजनेस में फंसा हुआ रहता है, अपनी बिजनेस में मुलव्विस रहता है, और अजान देने वाला वो मुअज्जिन अजान को दे देता है, लेकिन एक इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है, इस तरह उसके सरों के ऊपर दौलत की लालच सवार होती है, इस तरह एक इंसान दौलत की हवस में पागल होता है कि एक इंसान जब मस्जिद के मीनारे से आवाज़ देता है कि ऐ लोगों कामयाबी की तरफ आ जाओ, ऐ लोगों नमाज की तरफ आ जाओ, तो एक इंसान इन सदाओं को सुनने के बाद अपनी बिजनेस को छोड़ नहीं पाता है, अपनी दुकानों को छोड़ नहीं पाता है, अपने काम को कुछ वक्त के लिए रोक नहीं पाता है। मेरे अजीज साथियों, यही गफलत भरी ज़िंदगी है कि एक इंसान को अगर अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा करने के लिए पुकारा जा रहा है, एक इंसान को अल्लाह तबारक व ताला के सामने नमाज के लिए पुकारा जा रहा है कि ऐ लोगों उस रब की जो हक है उस हक को आकर के अदा करो, ऐ लोगों अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी बख्शी है, अल्लाह तबारक व ताला का हक तुम्हारे ऊपर ये है कि तुम अल्लाह तबारक व ताला के सामने अपने सर को झुकाओ, अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा करो। मेरे अजीज साथियों, जब एक इंसान अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा करने से इनकार कर देता है, जब एक इंसान अल्लाह तबारक व ताला के मस्जिदों से आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, और जब उन आज़ानों के ऊपर एक इंसान लब्बैक नहीं कहता है और मस्जिदों के अंदर जाकर के अपने सर को नहीं झुकाता है, गोया कि वो इंसान अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा करने से इनकार कर रहा है, गोया कि वो इंसान अल्लाह तबारक व ताला के सामने
अपने सर को झुकाने से इनकार कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, यही जिंदगी जो है वो गफलत भरी जिंदगी है। अल्लाह तबारक व ताला इसी आयत करीमा के अंदर आगे कह रहा है, अल्लाह को मुत्तकासर, ऐ लोगों तुमको माल और औलाद की कसरत की ख्वाहिश ने गाफिल कर दिया। एक इंसान जब जवानी की दहलीज पर पहुंच जाता है, यहाँ पर दौलत की लालच होती है, यहाँ पर दौलत की हवस होती है, लेकिन जैसे ही एक इंसान 40 साल की उम्र में पहुँच जाता है, जैसे ही एक इंसान अधेड़ों वाली उम्र में पहुँच जाता है, यहाँ पर एक इंसान अपने औलाद की कसरत की ख्वाहिश में अपनी जिंदगी को गुजारता है, अपने औलाद की कामयाबी के बारे में सोचता है और उस अल्लाह तबारक व ताला के उसूलों को पसे पुश्त डाल देता है। अल्लाह तबारक व ताला इसीलिए इस आयत करीमा के अंदर कह रहा है कि ऐ लोगों तुमको माल और औलाद की कसरत की ख्वाहिश ने गाफिल कर दिया, तुमको माल और औलाद की कसरत की ख्वाहिश ने गाफिल कर दिया। इसी आयत करीमा के अंदर और इसी सूरत के अंदर आगे अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमा रहा है, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ए लोगों तुम दुनिया के अंदर माल और औलाद की कसरत की ख्वाहिश में गाफिल रहे और तुम इसी लालच में अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहे, तुम इसी लालच में अपनी ज़िंदगी को बसर करते रहे कि हम दुनिया के अंदर अमीर बन जाएं, हम दुनिया के अंदर जो है हमारा शुमार जो है वो सेठों में हो जाए, हमारा शुमार जो है वो बड़े से बड़े अमीरों में हो जाए और हमारा शुमार जो है वो अमीरों में हो जाए। ऐ लोगों तुम इसी लालच में अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहे, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ऐ लोगों तुम इसी लालच में अपनी ज़िंदगी को बसर करते रहे कि हम दुनिया के अंदर अमीर बन जाए, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्र में पहुँच गए, यहाँ तक कि तुम कब्र में चले गए। ओ लोगों तुम यही सोच करके इस दुनिया के अंदर दौलत की लालच में अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहे कि हम दुनिया के अंदर जो है खुशगवार वाली ज़िंदगी हासिल करेंगे, हम दुनिया के अंदर एयर कंडीशन वाली ज़िंदगी को हासिल करेंगे, हम दुनिया के अंदर अमीरों वाली ज़िंदगी को हासिल करेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें अमीरी वाली ज़िंदगी नहीं मिल सकी, तुम्हें इस दुनिया के अंदर एयर कंडीशन वाली जिंदगी नहीं मिल सकी, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम्हारा सामना जो है वो कब्र से हो गया, यहां तक कि तुम कब्र के अंदर चले गए। इसीलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी मौत को बालाए ताक रख देता है, अपनी मौत को परे फेंक देता है और इस दुनिया के अंदर दौलत की लालच में, इस दुनिया के अंदर दौलत की हवस में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देता है और एक इंसान इस तरह दुनिया के अंदर दौलत की लालच में पागल हो जाता है, इस तरह दुनिया के अंदर दौलत की हवस में पागल हो जाता है कि वो इंसान अपनी आखिरत को भी तबाह बर्बाद कर लेता है। एक इंसान जब दौलत की हवस में अपने घर से निकलता है, जब दौलत की लालच में अपने घर से निकलता है, तो वो इंसान ये नहीं देखता कि ये जो दौलत हमारे पास आ रही है, ये दौलत सही रास्ते से आ रही है या गलत रास्ते से आ रही है। एक इंसान जब दौलत की लालच में और दौलत की हवस में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है, तो वो इंसान सही और गलत में तमीज़ नहीं कर पाता, वो इंसान सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सर के ऊपर जो है वो दौलत का जो है वो नशा सवार है और वो इंसान सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सकता, हलाल और हराम में तमीज़ नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान इस दुनिया के अंदर, हजरत उबै बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक इंसान इस दुनिया के अंदर इस तरह दौलत की लालच में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं, इब्ने आदम इस तरह दुनिया के अंदर दौलत की हवस में और दौलत की हिर्स में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं कि अगर उसके पास एक सोने से भरी हुई जंगल हो,
एक सोने से भरी हुई जंगल हो तो वो इंसान उस सोने से भरी हुई जंगल के ऊपर इक्तिफा नहीं करेगा, उसी जंगल पर वो इंसान सबर नहीं करेगा, बल्कि वो इंसान दूसरे सोने से भरी हुई जंगल की तलाश में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करेगा। एक इंसान के पास एक सोने से भरा हुआ जंगल मौजूद है, लेकिन वो इंसान उस सोने से भरी हुई जंगल की तरफ नहीं देखेगा, उसके ऊपर इक्तिफा नहीं करेगा, क्योंकि ये एक इंसान की फितरत है कि एक इंसान के पास जितनी भी दौलतें आ जाए लेकिन कभी वो इंसान सब्र नहीं करता, वो इंसान और लालच में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू करता है। उबै बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक इंसान के पास अगर एक सोने से भरा हुआ जंगल हो तो वो इंसान उस एक जंगल के ऊपर इक्तिफा नहीं करेगा, बल्कि वो इंसान दूसरे सोने से भरी हुई जंगल की तलाश में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देगा। मेरे अजीज साथियों, हमने इस दुनिया के अंदर कितने ऐसे लोगों ने मुशाहिदा किया होगा जो हमसे पहले लोग इस दुनिया के अंदर रहा करते थे, हमारे आबा व अजदाद रहा करते थे, वो इंसान अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया के अंदर गरीबी में गुजारा करते थे, अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया के अंदर तंग दस्ती में गुजारा करते थे। अगर एक वक्त की रोटी मिल जाए तो दूसरे वक्त की तलाश में वो दर दर भटकता हुआ फिरा करते थे। मेरे अजीज साथियों, गौर करें, एक इंसान के पास गरीबी थी, एक इंसान के पास जो है तंग दस्ती थी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने एक इंसान को एक वक्त की रोटी दे दिया, एक वक्त की रोटी मिल गई। एक वक्त की रोटी खाने के बाद अब एक इंसान दूसरे वक्त की रोटी की तलाश में निकलता है। आप गौर व फिक्र करें इस बात के ऊपर कि एक इंसान इस दुनिया के अंदर किस तरह दौलत की लालच में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं, किस तरह इस दुनिया के अंदर एक इंसान दौलत की हिर्स में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं, दौलत की हिर्स में अपनी ज़िंदगी को बसर किया करते हैं। एक इंसान के पास एक वक्त की रोटी मौजूद है, अल्लाह तबारक व ताला उसे दो वक्त की रोटी अता कर देता है। एक इंसान दो वक्त की रोटी खाने के बाद अब वो इंसान इसी तगदौ में लग जाता है कि तीसरे वक्त की रोटी की तलाश करें। अल्लाह तबारक व ताला तीन वक्त की रोटी एक इंसान को अता कर देता है, अब फिर भी एक इंसान के दिल के अंदर लालच पैदा हो रही है। अब वो इंसान इस लालच में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे एक वक्त की रोटी, दो वक्त की रोटी और तीन वक्त की रोटी दे दी, तीन वक्त की ग़िज़ा दे दी। अब एक इंसान इस दुनिया के अंदर जो है वो बेहतरीन मकान की लालच में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देता है। एक वक्त की रोटी नहीं थी, अल्लाह तबारक व ताला ने एक वक्त की रोटी अता कर दी, दो वक्त की रोटी नहीं थी, दो वक्त की रोटी अता कर दी, लेकिन अभी भी एक इंसान के अंदर ये सोच और ये समझ नहीं आई कि अल्लाह तबारक व ताला के सामने अपने सर को झुका लिया जाए, अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा कर लिया जाए। अभी एक इंसान जो है लालच में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर रहा है। अब एक इंसान आसानी के साथ तुझे खाने की चीज़ें मिल रही है, अब एक इंसान इसी लालच में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देता है कि मेरे पास बेहतरीन मकान आ जाए। अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान के ऊपर रहम करता है, एक इंसान के ऊपर रहम करता है और अल्लाह तबारक व ताला उसे बेहतरीन मकान इस दुनिया के अंदर अता कर देता है। अल्लाह तबारक व ताला इतनी दौलतें उस इंसान को अता कर देता है कि वो बेहतरीन मकान भी इस दुनिया के अंदर बना लेता है। मेरे अजीज साथियों, बेहतरीन मकान बना लेने के बाद अब एक इंसान के दिल के अंदर फिर लालच बढ़ रही है, अब एक इंसान के दिल के अंदर फिर हिर्स बढ़ रहा है और लालच में अपनी ज़िंदगी को फिर गुजारना शुरू कर रहा है। अब वो इंसान इस लालच में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देता है कि दुनिया के अंदर मुझे बेहतरीन मकान भी मिल गया, ए परवरदिगार आलम मुझे दुनिया के अंदर बेहतरीन गाड़ियाँ भी मिल जाए। अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान के ऊपर रहम करता है और अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान को बेहतरीन गाड़ियां भी अता कर देता है।
अब एक इंसान और लालच में आगे बढ़ता है, अब एक इंसान इस लालच में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देता है, इस लालच में अपनी ज़िंदगी को बसर करना शुरू कर देता है कि परवरदिगार आलम मुझे दुनिया के अंदर अमीर बना दिया जाए, ऐ परवरदिगार आलम मैं दुनिया के अंदर अमीर बन जाऊँ। मेरे अजीज साथियों तस्वुर करें, गौर करें कि एक इंसान के दिल के अंदर किस तरह दुनिया के अंदर हिर्स पैदा होती है, किस तरह एक इंसान के अंदर लालच पैदा होती है। एक इंसान के पास गरीबी थी, तंग दस्ती थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सारी चीज़ें अता कर दी, गाड़ियाँ भी अता कर दी, मकान भी अता कर दिया, लेकिन अभी भी एक इंसान बेनमाजी है। तंग दस्ती जब मौजूद थी, फ़कीरी मौजूद थी, गरीबी मौजूद थी, अल्लाह तबारक व ताला ने फकीरी से उठा करके अमीरी की दहलीज पर ले जा करके खड़ा कर दिया। एक इंसान को गरीब से फकीर, गरीब से अमीर बना दिया, लेकिन अभी भी एक इंसान जो है अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा करने के लिए तैयार नहीं है। ये दुनिया भी जिंदगी की हकीकत है, ये एक इंसान की जिंदगी की हकीकत है। इन सारी की सारी चीज़ों को पा लेने के बाद अब एक इंसान के दिल के अंदर और हिर्स बढ़ती है और लालच बढ़ती है कि काश मैं दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अमीर बन जाऊं। मेरे अजीज साथियों किस तरह एक इंसान के दिल के अंदर जो है लालच पैदा होती है मेरे अजीज साथियों, और जब आप मुशाहिदा करेंगे इस दुनिया के अंदर, गौर फिक्र करेंगे इस दुनिया के अंदर, तो कितने ऐसे इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी को इसी मकसद के तहत गुजारा करते हैं और इसी लालच में गुजारा करते हैं कि हम दुनिया के अंदर अमीर कैसे बन जाएँ, हम दुनिया के अंदर माल और दौलत वाला कैसे बन जाएँ, हम इस दुनिया के अंदर सेठ वाली जिंदगी को कैसे पालें। इसी लालच में एक इंसान अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है कि हम इस दुनिया के अंदर अमीर कैसे बन जाएं। अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान को ये सारी की सारी चीज़ें अता कर देता है, एक इंसान को इस दुनिया के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें एक इंसान को अता कर देता है, लेकिन फिर भी एक इंसान अल्लाह तबारक व ताला के सामने अपने सर को झुकाना नहीं चाहता है। मेरे अजीज साथियों जब एक इंसान के पास गरीबी थी उस वक्त भी एक इंसान बेनमाजी था, और जब अमीरी आ गई उस वक्त भी एक इंसान बेनमाजी है। मेरे अजीज साथियों यही ज़िंदगी जो है वो गफलत भरी ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी गफलत भरी ज़िंदगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर फरमाते हैं कि जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़ कर के चला जाता है, मेरे अजीज साथियों इस हदीस के ऊपर गौर व फिक्र करें, इस हदीस के ऊपर तसव्वुर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़ कर के चला जाता है, जब एक इंसान के पास मलिकुल मौत आ जाता है और उसके जिस्म से उसको रूह को निकाल लिया जाता है, जब फरिश्ते उसके रूह को कब्ज़ कर लेते हैं, क्या हुआ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़ कर के चला जाता है, जब फरिश्ते उस इंसान की रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। मेरे अजीज साथियों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उस मरे हुए इंसान को उसके घर वाले उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ लेकर के जाते हैं। मेरे अजीज साथियों जो लोग इस दुनिया के अंदर दौलत की हवस में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं, जो औलाद की लालच में इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं, वो इस हदीस के ऊपर गौर व फिक्र करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उस इंसान को दफनाने के लिए कब्र की तरफ लेकर के जाते हैं तो उसके साथ तीन चीज़ें जाती हैं। उस इंसान के साथ, उस मुर्दे इंसान के साथ जो है वो तीन चीज़ें जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो है वो उसका माल है,
और दूसरी चीज़ जो है वो उसके अहलो आयाल हैं, उसके ख़ानदान वाले हैं, उसके औलाद हैं, और तीसरी चीज़ जो है वो उसका अमल है, वो उसके आमाल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उसके घर वाले, जब उसके मुआशरे वाले उसको कब्र के हवाले कर देते हैं, जब उस इंसान को दफना दिया जाता है, जब कब्र के हवाले कर दिया जाता है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि उस इंसान को कब्र के अंदर दो चीज़ें छोड़ कर के चली आती हैं, और एक चीज़ उस इंसान के साथ कब्र में रह जाती हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि उन दो चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जो है वो उसके अहलो आयाल हैं, उसके ख़ानदान वाले हैं, उसके घर वाले हैं, और दूसरी चीज़ जो है वो उसका माल है। ये दो चीज़ें एक इंसान को कब्र के हवाले करके और कब्र के अंदर दफन करके चली आती है, ये दो चीज़ें एक इंसान को कब्र के अंदर छोड़ कर के चली आती हैं। मेरे अजीज साथियों, अपने गरीबान के अंदर अपने हाथों को रख कर के सोचें, अपने गरीबान के अंदर झांक करके देखें, क्या आज हम इस दुनिया के अंदर अपनी आखिरत को इन्हीं दो चीज़ों के लिए बर्बाद नहीं कर रहे हैं? क्या आज हमारी ज़िंदगी इन्हीं दो चीज़ों को हासिल करने में हमारी ज़िंदगी नहीं कट रही है? क्या दौलत की लालच में हम अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारा करते हैं? क्या औलाद की कामयाबी के पीछे हम सही और गलत में तमीज़ नहीं करते हैं? क्या हम औलाद की लालच में, उसकी कामयाबी की लालच में हम अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारा करते हैं? मेरे अजीज साथियों, जब एक इंसान इन्हीं दो चीज़ों को हासिल करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि यही दो चीज़ें एक इंसान को कब्र के अंदर छोड़ कर के आने वाली है, यही दो चीज़ें एक इंसान को कब्र के अंदर दफन कर कर के आने वाली है, और एक चीज़ उसके साथ जो है वो कब्र में रह जाने वाली है, और वो चीज़ उसका अमल है। मेरे अजीज साथियों, अगर आपने इस दुनिया के अंदर हराम तरीके से दौलत को हासिल किया, अगर आपने इस दुनिया के अंदर हराम तरीके से माल को कमाया है, अगर आपने इस दुनिया के अंदर गलत तरीके से रिस्क को हासिल किया है, तो वही माल जो है, वही दौलत जो है, तुम्हें कब्र के अंदर छोड़ कर के आने वाली है, और वही हराम तरीक़ा, वही हराम रास्ता, और वही अमल तुम्हारे साथ जो है कब्र में रह जाने वाली है। मेरे अजीज साथियों, इस हदीस से आपने क्या सबक लिया? इस हदीस से हमें और आपको ये सबक लेनी होगी कि इस दुनिया के अंदर हमने न जाने किस तरह से दौलतों को इकट्ठा किया, हमने न जाने किस तरह से इस दुनिया के अंदर माल और दौलत को इकट्ठा किया। ओ लोगों, चाहे तुमने जिस तरह भी इस दुनिया के अंदर दौलत को इकट्ठा किया है, चाहे जिस तरीके से भी तुमने इस दुनिया के अंदर माल और दौलत को कमाया है, ओ लोगों, यही माल तुम्हें कब्र के अंदर छोड़ कर के आने वाली है। यही माल, जिस माल को तुमने दुनिया के अंदर हराम तरीके से हासिल किया था, जिस माल को तुमने दुनिया के अंदर बैंक बैलेंस किया था, जिन दौलतों को तुमने दुनिया के अंदर अपने घरों के अंदर छुपा करके रखा था, ऐ लोगों, जिस दिन तुम्हारी रूह परवाज़ हो जाएगी, जिस दिन तुम्हारे जिस्म से रूह निकल जाएगी, ये दौलतें दुनिया के अंदर धरी की धरी रह जाएंगी, ये दुनिया के अंदर सारी की सारी दौलत पड़ी की पड़ी रह जाएगी, और तुम्हें उसी कब्र के हवाले कर दिया जाएगा जिस कब्र के अंदर ना तो दौलत की जरूरत है, जिस कब्र के अंदर ना तो माल की जरूरत है, जिस कब्र के अंदर ना तो खानदान वालों की जरूरत है, जिस कब्र के अंदर ना तो औलाद की जरूरत है। ऐ लोगों, उस कब्र के अंदर अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो सिर्फ और सिर्फ नेक अमल की होगी। हमने न जाने इस दुनिया के अंदर किस तरीके से दौलत को हासिल किया, हमने न जाने किस तरीके से इस दुनिया के अंदर माल और दौलत को इकट्ठा किया। लोगों, चाहे तुमने जिस तरीके से भी इस दुनिया के अंदर दौलत को इकट्ठा किया, इस दुनिया के अंदर माल और दौलत को कमाया, ये दौलतें और ये माल इसी दुनिया के अंदर रह जाने वाली है, और तुम्हें उसी कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, उसी कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। जो कब्र जो है लोगों से, दुनिया वाले लोगों से चिल्ला चिल्ला करके कहा करती है कि ऐ लोगों, ऐ दुनिया के अंदर अकड़ करके चलने वाले लोगों, सुनो, तुम जब भी इस कब्र के अंदर आना, तुम जब भी इस कब्र के आगोश में आना, अमल का दिया लेकर के आना, आमाल की रोशनी लेकर के आना, क्योंकि मैं अंधेरे का घर हूँ। ऐ लोगों,
तुम इस कब्र के अंदर जब भी आना अमल का चिराग लेकर के आना, क्योंकि इस कब्र के अंदर दौलतें काम आने वाली नहीं है, इस कब्र के अंदर जो है माल काम आने वाले नहीं है, इस कब्र के अंदर जो है खानदान वाले काम आने वाले नहीं है। और कल कयामत के दिन जब अल्लाह तबारक व ताला अदल की कुर्सी पर बैठेगा, जब अल्लाह तबारक व ताला इंसाफ करने के लिए बैठेगा, जब अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान की नाम अमाल को खोलेगा और एक इंसान के हिसाब के लिए बैठेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन किसी इंसान की दौलत को देख करके, किसी इंसान के ख़ानदान वालों को देख करके अल्लाह तबारक व ताला जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन अगर किसी भी इंसान को जन्नत का सर्टिफिकेट देगा तो उसके नेक अमल के बुनियाद पर देगा, ना कि माल के बुनियाद पर, ना कि दौलत के बुनियाद पर, ना कि ख़ानदान वालों के बुनियाद पर। अगर कल क़यामत के दिन एक इंसान को जन्नत मिलने वाली है तो उसके नेक अमलों की बुनियाद पर मिलने वाली है, ना कि ख़ानदान वालों की बुनियाद पर और ना कि माल और दौलत के बेस पर। अगर आपको जन्नत की सर्टिफिकेट मिलने वाली है, अगर आपको आपके लिए जन्नत का मुज़दा सुनाने वाला है, तो वो आपका नेक अमल है। अमल के अलावा सारी की सारी चीज़ें इसी दुनिया के अंदर धरी की धरी रह जाएगी, सारी की सारी चीज़ें इसी दुनिया के अंदर पड़ी की पड़ी रह जाएगी। मेरे अजीज साथियों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक इंसान इस दुनिया के अंदर क्यों अपनी ज़िंदगी को इस लालच में, दौलत और माल की हिस्स में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं, क्यों आखिर एक इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताला के उसूलों को पसे पुश्त डाल देते हैं, क्यों एक इंसान अल्लाह तबारक व ताला और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को जो है वो तोड़ दिया करते हैं, आखिर क्यों एक इंसान इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं। तो सवाल का जवाब ये है कि एक इंसान ने इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत को नहीं जाना है, इस दुनियावी ज़िंदगी की जो रियलिटी है एक इंसान ने नहीं समझा है। एक इंसान तो यही समझता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जो ये ज़िंदगी अता की है, हमें जो ये ज़िंदगी बख्शी है, हम इस दुनिया के अंदर ऐशो मस्ती कर लें, हम इस दुनिया के अंदर मौज मस्ती कर लें, ऐशो आराम कर लें, इस दुनिया के अंदर जो है अपनी ज़िंदगी को जो है जिस तरीके से भी चाहें अपनी ज़िंदगी को गुजार लें, क्योंकि एक इंसान को इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत और इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत मालूम नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद के अंदर इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत को वाज़े कर रहा है, इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत को बता रहा है कि ऐ लोगों सुनो, इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत क्या है, इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। तुमने जिस दुनियावी ज़िंदगी को हमेशगी वाली ज़िंदगी समझ बैठा है, तुम जिस ज़िंदगी को ये समझ बैठे हो कि ये दुनियावी ज़िंदगी हमें अल्लाह तबारक व ताला ने इसलिए अता किया है कि इस दुनिया के अंदर मौज मस्ती कर लिया जाए, इस दुनिया के अंदर ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर लिया जाए। अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि ऐ लोगों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत क्या है, इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत क्या है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐ लोगों, ये दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है, ये दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है। तुम जिस दुनिया के अंदर दौलत की लालच में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हो, ऐ लोगों सुनो, तुम्हें भी मौत आने वाली है। और जो लोग अपनी ज़िंदगी को सोमो सलात की पाबंदी में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं, उनके लिए भी मौत है। इस दुनिया के अंदर अमीरों के लिए भी मौत है, गरीबों के लिए भी मौत है। इस दुनिया के अंदर बिल्डिंगों में रहने वाले इंसानों के लिए भी मौत है और झोपड़ियों में रहने वाले इंसानों के लिए भी मौत है। अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ऐ दौलत की लालच में ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों, तुम्हें भी इस दुनिया को छोड़ करके जानी है, तुम्हें भी इस दुनिया को अलविदा कहना है, तुम्हें भी इस दुनिया को छोड़ करके जाना होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला तो कह रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है।
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ। ऐ लोगों, जिस दुनिया के अंदर तुम अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हो, जिस दुनिया के अंदर तुम जिंदगी को बसर किया करते हो, अगर तुमने गुनाह के कामों को अंजाम दिया है, अगर तुमने गुनाह के कामों का इर्तिकाब किया है, तो ऐ लोगों सुनो, हम तुम्हें उसका बदला कल क़यामत के दिन देंगे, हम तुम्हें उसकी सज़ा दो है कल क़यामत के दिन देंगे। और अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों से भी कह रहा है जो लोग इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारा करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे ही लोगों के बारे में भी कह रहा है, वह इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कि ऐ लोगों, दुनिया के अंदर हो सकता है तुम्हें तुम्हारे करतूतों का बदला ना मिल पाए, तुम्हारी नेकियों का बदला ना मिल पाए, तो ऐ लोगों, हम तुम्हें कल क़यामत के दिन उसका बदला देंगे। وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ। اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے, ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے جو دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کر لینے کے بعد یہ تصور کرنے لگتا ہے, یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ دنیا کے اندر تو سب سے بڑے کامیاب ہمیں, دنیا کے اندر جو ہمیں کامیابی مل گئی ہے, ये कामयाबी हमारे लिए असल कामयाबी है। अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फकद फाज। ऐ लोगो, दुनिया के अंदर जो तुम कामयाबी समझते हो, ये कामयाबी तुम्हारे लिए असल कामयाबी नहीं है, बल्कि कामयाबी तो ये है कि कल क़यामत के दिन एक इंसान अपने आप को जहन्नम से बचा करके जन्नत का मुस्तहिक बना ले, अपने आप को जहन्नम से बचा करके जन्नत के अंदर दाखिल कर वाले, यही इंसान कामयाब है। فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ। اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے اندر اس دنیا کی حیثیت کو بتا رہا ہے, اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ اے لوگوں, جس دنیاوی زندگی کو تم خوبصورت سمجھتے ہو, جس دنیاوی زندگی کو تم ہمیشگی والی زندگی سمجھتے ہو, جب تم اس دنیا کی رنگینیوں میں نکلتے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت ہے, یہ دنیا بڑی حسین ہے, یہ دنیا تو بڑی خوبصورت ہے, اور ایک انسان اس دنیا کی خوبصورتی میں پھنس جاتا ہے, ایک انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنس جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو توڑ دیا کرتے ہیں, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پسے پشت ڈال دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے, وَمَا الْحَيَاةُ دنیا الا متاع الغرور, کہ اے لوگو, یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے, تم جس دنیاوی زندگی کو سمجھ رہے ہو کہ یہ خوبصورت ہے, یہ دنیا کی زندگی خوبصورت نہیں ہے, یہ دنیا کی زندگی خوبصورت نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے, یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر دنیاوی زندگی کی حیثیت اور دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کیا, اور ایک حدیث کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیاوی زندگی کی کیا حقیقت ہے, اس دنیاوی زندگی کی کیا حیثیت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر واضح کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر کے لیے نکلتے ہیں, راستے میں نکلتے ہیں, راستے میں نکلتے ہیں, کہیں جا رہے تھے سفر کے لیے, کہیں جا رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مری ہوئی بکری کے بچے کے اوپر پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مری ہوئی بکری کے بچے کے پاس جاتے ہیں اور اس مری ہوئی بکری کے بچے کے کان کو پکڑتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت, کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کے بچے کو ایک درہم میں خریدنا چاہے گا, کون ہے وہ صحابہ کرام جو اس مری ہوئی بکری کے بچے کو ایک درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सहाबाए किराम से कहते हैं, फौरन सहाबाए किराम जवाब देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला इस मरी हुई बकरी के बच्चे को कौन एक दिरहम में खरीदना चाहेगा, कौन एक दिरहम में अपने पास रखना चाहेगा। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिरहम में तो छोड़ो, इस मरी हुई बकरी के बच्चे को अगर कोई इंसान किसी को फ्री में दे तब भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, तब भी कोई इंसान इसे अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा की जमात, जिस तरह तुम्हारे नज़दीक इस मरी हुई बकरी के बच्चे की कोई हैसियत नहीं है, इस मरी हुई बकरी के बच्चे की कोई हकीकत नहीं है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक भी इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, इस दुनिया की भी कोई हकीकत नहीं है। मेरे अजीज़ साथियों, तो ये दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर इस दुनिया की हैसियत, अगर इस दुनिया की हकीकत अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक एक राई के दाने के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व ताला किसी काफिर को, अल्लाह तबारक व ताला किसी मुशरिक को एक घूंट पानी तक नसीब न करता। मेरे अजीज साथियों, तो ये दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत है, ये दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है और ये दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत है। मैं एक और छोटी सी हदीस को पेश करके मैं अपनी तकरीर को इंशाअल्लाह ख़त्म करूँगा, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक एक ऐसे इंसान को लाया जाएगा जिसने इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को अमीरी में गुजारा होगा। वो लोग इस हदीस के ऊपर गौर व फिक्र करें जो इस दुनिया के अंदर अमीरी की लालच में अल्लाह तबारक व ताला के उसूलों को तोड़ा करते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पसे पुश्त डाल दिया करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला के सामने एक ऐसे इंसान को लाया जाएगा, एक ऐसे इंसान को हाजिर किया जाएगा जिसने इस दुनिया के अंदर अमीरी में अपनी ज़िंदगी को गुजारा होगा, जिसने इस दुनिया के अंदर अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है एयर कंडीशन के अंदर गुजारा होगा। अमीर घराने में पैदा हुआ और अमीर घराने में पैदा होने के बाद उसकी परवरिश भी अमीरी में हुई होगी। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है अमीरी में गुजारी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस इंसान को अल्लाह तबारक व ताला के सामने हाजिर कर दिया जाएगा, अल्लाह तबारक व ताला के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्ते, जा इस इंसान को कुछ लम्हों के लिए, पल भर के लिए जहन्नम के हवाले कर दिया जाए, जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए और फौरन मेरे सामने हाजिर कर दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे ही अल्लाह तबारक व ताला हुक्म देगा, फरिश्ते उस इंसान को लेकर के जाएंगे और पल भर के लिए जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे और फौरन अल्लाह तबारक व ताला के सामने हाजिर कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान से सवाल करेगा, उस इंसान से पूछेगा कि ऐ इंसान बता, क्या तुमने दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को अमीरी में गुजारी है? ऐ इंसान, क्या तुमने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को सुकूनों वाली जिंदगी गुजारी है? ऐ इंसान, क्या तुमने अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर एयर कंडीशन के अंदर गुजारी है? वो इंसान कहेगा कि परवरदिगारे आलम, अमीरी किस चीज़ का नाम है, मैं तो जानता तक नहीं हूँ। परवरदिगारे आलम, एयर कंडीशन किस चीज़ का नाम है, मैं तो जानता तक नहीं हूँ। परवरदिगारे आलम, अमीरी किस चीज़ का नाम है, मैं तो जानता तक नहीं हूँ। परवरदिगारे आलम, मैंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो तंग दस्ती के अंदर गुजारी है, मैंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो गरीबी में गुजारी है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो इस हदीस के अंदर, गौर व फिक्र करें इस हदीस के अंदर कि एक ऐसा इंसान जिसने 70 साल की ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर अमीरी में गुजारी, जिसने 90 साल की ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर अमीरी में गुजारी, एक ऐसा इंसान जब जहन्नम के अंदर पल भर के लिए जाएगा, वो इंसान अपनी दुनिया में
अमीरी वाली ज़िंदगी जो गुजारी है वो सारी की सारी ज़िंदगी को भूल जाएगा और वो इंसान कहेगा कि परवरदिगार आलम मैंने तो अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी तंग दस्ती में गुजारी है, गरीबी में गुजारी है। तो ये दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत और ये दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है कि एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी अमीरी में गुजार करके जाएगा, लेकिन जब पल भर के लिए जहन्नम के अंदर जाएगा वो इंसान इस दुनिया की सारी अमीरी को भूल जाएगा, वो इंसान इस दुनिया की सारी सुकून वाली ज़िंदगी को भूल जाएगा। तो मेरे अजीज़ साथियों, मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, ये चंद बातें मैंने आप लोगों के सामने दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत और हकीकत के ताल्लुक से मैंने आपके सामने पेश किया। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ।